अभी हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं इस बात को जानने के लिए कि क्यों जीआर हिक्स ने अपने वैल्यू एंड कैपिटल जो 1939 में लिखा जिसमें इंडिफरेंस को स्थापित किया उसके प्रति उदासीन हो गया और उन्होंने इंडिफरेंस कर्व को त्याग दिया और 1956 में एक नई पुस्तक को लिखा जिसका नाम है रिविजन ऑफ डिमांड थ्योरी। इसमें इन्होंने ऑर्डिनरी डिफरेंस कर्व को रिजेक्ट कर दिया, कहा कि ऑर्डिनरी डिफरेंस कर्व जो है उसमें सबसे बड़ा दोष क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंस कर्व में सबसे बड़ा दोष क्या है कि इसके अंतर्गत कंटिन्यूटी का ट्रांजिटिविटी का मान्यता है और नोबेल प्राइज विनर अर्थशास्त्री पॉल सैमुएलसन ने कहा कि कंटिन्यूअस उपभोग वस्तु का होना सही नहीं है क्योंकि उपभोग वस्तु जो हम लोग उदाहरण में ले रहे हैं वो पूर्णतया विभाज्य नहीं है। देयर इज नो परफेक्ट डिविजिबिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी एंड वाई कमोडिटी, तो कंटिन्यूअस कैसे हो, डिसकंटिन्यूअस होगा, डिफरेंट बंडल होगा, हर बंडल में एक्स और वाई का अलग अलग कमोडिटी होगा, एक दूसरे के बराबर हो सकता है, डिविजिबल नहीं होगा, परफेक्टली डिविजिबल नहीं होगा और a इज इक्वल टू b या b इज इक्वल टू c देयरफॉर a इज इक्वल टू c देयरफॉर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, ये रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी जो उपभोक्ता के ऊपर लगाया जा रहा है इसको भी रिजेक्ट कर दिया पॉल सैमुएलसन। पॉल सैमुएलसन, रेने रॉय और भी अर्थशास्त्री थे, पांच अर्थशास्त्रियों के समूह के सामने में जे आर हिक्स को यूएसए में निमंत्रण दिया गया और बुला के कहा गया कि अपने डिफरेंस कर्व को हम लोग को समझाइए और वहीं पर पॉल सैमुएलसन ने इंडिफरेंस कर्व के सारे तथ्य को काट दिया और जे आर हिक्स ने कहा कि आप समझ गए मेरी बात को, क्या एकदम समझ गए। जे आर हिक्स ने कहा कि इंडिफरेंस कर्व हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है, इंडिफरेंस कर्व इज ग्रेटेस्ट ब्लंडर ऑफ माई कैरियर, सो आई रिजेक्ट, आई एबंडन, एबंडन में तोड़ देना, समुद्र के किनारे वो महल बनाए, किसी आ गया किसी का मार ला तो तोड़ दिया, पहले सुंदर महल समुद्र के किनारे जाओगे ना, एक से एक महल बना हुआ है, एक से लोगों का तस्वीर बना हुआ है, तो साफ झलक जाएगा कि कौन आदमी इतना अच्छा कलाकार है, तेज लहर आया तो पूरा बालू को क्या करेगा, दाग नहीं जाएगा, दहा रहा था तो देखे कि एक आदमी जो है अपना पूरा शरीर गाड़े हुआ है बालू में और गर्दन खाली निकला तो पानी आ कुछ 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 कर रहा है, उसको अंदाज नहीं था कि वहां तक पानी आएगा, अरे समुन्दर है ये कोई नदी नहीं है जो आप अंदाज लगा दीजिए, सुनामी आया तो बहुत लोग का अंदाज नहीं था, थर्ड फ्लोर पर बैठ के करा बड़ा अच्छा पानी का लहर है अचानक थर्ड फ्लोर तक है। अब देखिएगा यूट्यूब में वीडियो है कैसे लेटा हुआ है अकेला, वेरी फाइन सर, बड़ा अच्छा लग रहा है, अब थोड़े दिन देखिए उसका बिल्डिंग मकान सब दहके चला गया। प्रकृति से खिलवाड़ मत कीजिए, प्रकृति से पावरफुल कुछ नहीं, हम लोगों को कहा ना यूएसए डांट रहा था कि इंडिया का जो गया है तो बहुत सारा कचरा जो है ऊपर में वायुमंडल की कहाँ है जहाँ गया है, स्पेस में कचरा फैला हुआ है, भारत वाला तैयारी था कहा कि हमारा तो 445 से कचरा का टुकड़ा है और चीन का 3,500 है, तो उस समय ना बोल रहा था हमारा जैसे छूटा था आपको जलन होने लगा,
अब सचिन ने कहा हम लोग क्या एसी अभी भी बहुत रिच आदमी कहीं घर में है, अब पर्यावरण प्रदूषण छेद हो गया कुल लेयर में वो जो ये सब एसी के कारण हुआ है, वन ऑफ द फैक्टर एसी के जैसा की जो गैस है उससे हानि हुआ। हम लोग कितना एसी लगाए, हम लोग तो अपना आम का पत्ता डोले ला हवा लेवे ला आराम ना उसी पर मस्त होकर सो जाते हैं। दोपहर के धूप में भी बगीचा में आपको नींद आ जाएगी, पेड़ के नीचे आएगी कि नहीं आएगी। तो कहता है कि डिफरेंस कर पर प्रेशर इतना पड़ा कि एडम ये जेआर हिक्स ने कहा कि मैं स्वयं इसका त्याग करता और मैं एक नई किताब लिख रहा हूं जिसमें इन सब बातों को हटाते हुए पॉल सैमुअलसन जो बात कहे हैं उससे भी बेहतर रूप में हम मांग के नियम को प्रदर्शित करेंगे। ये सारा जो झगड़ा है वो केवल मांग के नियम के लिए है कि मांग के नियम में हमारा क्या है, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। ये बात कार्डिनल यूटिलिटी के माध्यम से स्थापित करें कि ये बात ऑर्डिनल यूटिलिटी के माध्यम से स्थापित करें कि ये बात ये पॉल सैमुअलसन का ऑर्डिनलिस्ट बिहेवियरिस्ट के द्वारा स्थापित करें आखिर इनके लिविंग एंड डिमांड थ्योरी से स्थापित करें। उद्देश्य वही है मांग का नियम। आज मांग का नियम जो है यूनिवर्सल नियम हो गया है क्योंकि नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट पॉल सैमुअलसन ने रिवील प्रेफरेंस से मांग के नियम को स्थापित किया है, जानना यूटिलिटी है ना ऑर्डिनल है ना कार्डिनल है। Behaviorist, ordinalist approach, choice reveals preference, consistency postulates, a strong ordering, ये ऐसा अस्त्र दिया पॉल सैमुअलसन ने कि मांग का नियम स्थापित हो गया, मापने का झंझट खत्म हो गया, यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का कोई झमेला नहीं। जेआर हिक्स अपने इंडिफरेंस को त्याग दिए और रिविजन ऑफ डिमांड थ्योरी जो 1956 में हुआ, चित्र में देखिए 1956 में उसने उन्होंने कहा कि इंडिफरेंस कर्व जो है उस इंडिफरेंस कर्व को हम लोग पहले पढ़ते थे कि इंडिफरेंस कर्व ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकी होगी, इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगी, पढ़ते थे ना, कहा हटाइए उस, अब रखिए धारीदार स्ट्राइट, स्ट्राइट अवधारणा जो चॉइस का हमारा अवधारणा होगा वो कर्व नहीं होगा, वर्टिकल लाइन होगा। देखिए यहां ये चित्र है, ये चित्र ओरिजिनल चित्र है जो दिया गया है डिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी में और 1956 में प्रकाशित हुआ। इस चित्र में देखिएगा 13 को लकीर है, अब कहेगा कि कहीं नहीं 14 को खींचेगा 15 को खींचेगा, तो पहले बता दिए जब जीआरिक्स 13 को खींचे हैं तो 13वीं है ही इंडिफरेंस कर्व साफ होने के बाद 13 नंबर रहता है कि नहीं रहता है, 13 नंबर सबसे खराब माना जाता है, किसी फ्लैट में जाएगा तो 13 नंबर का फ्लैट नहीं रहता, 12 रहेगा उसके बाद क्या रहेगा 14। लंदन में भी और इंडिया में भी या कनाडा में भी गए तो 13 नहीं। हम लोग को कहता है कि अंधविश्वास, थोड़ा कौन विश्वास है, इंडिफरेंस कर्व को हटा दिया उसके जगह पर स्ट्राइप हाइपोथेसिस दिया, स्ट्राइप हाइपोथेसिस में लकीर कैसे खींचा 13 और लकीर सब स्ट्रेट लाइन होगा और दोनों का जो अंतर होगा एक बाल के बराबर होगा, मतलब एकदम महीन महीन रेखा अगर खींच लीजिए तो ये एक तरह से परफेक्टली डिविजिबल भी नजर आएगा। कहा कि हम काटेंगे नहीं, हम चीज ही लेंगे उसी लेवल का, X1, X2, X3, X4, X5 ऐसे लेंगे, एक लंब X1 का है, एक लंब X2 का है और इसी में तुलना करेंगे कि हम X2 लें कि X1 लें। अब स्ट्राइट हाइपोथेसिस में देखिए 3 वो बूंदा लगाए हुए हैं, लगाए कि नहीं, स्ट्राइट हाइपोथेसिस में 3 बूंदा है लकीर में,
एक बीच में है और दो दाहिने वाला ऊपर नीचे है, है ना। अब ऊपर से पेमेंट दिया जाता है, ऊपर से क्या दिया जाता है, पेमेंट। जब पेमेंट करते हैं ना तो किसी में लकीर में ऊपर का हिस्सा पेमेंट होता है। तो यहां आप अगर नाम रखते हैं, क्या है, ए है, तो ए पर पेमेंट करना पड़ेगा यहां से लेकर यहां तक, तब हम क्या प्राप्त करेंगे, एक्स टू। एक्स थ्री में हमको प्राप्ति हो रहा है और पेमेंट कितना करना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक या यहां से लेके यहां तक। तो उपभोक्ता जो है ए से वो बी को पसंद करेगा, ए से बी को पसंद करना पड़ेगा कि कौन देना पड़ेगा, आंकड़ा ज्यादा मिल रहा है, एक्स टू से एक्स थ्री ज्यादा है कि नहीं, X2 से X3 जाते हैं, X2 पर देना पड़ रहा है ये और X3 पर देना पड़ रहा है बी, एक ऑप्शन है सी, तो सी पर पेमेंट जाते हैं, अभी पर पेमेंट कम है। तो कहा कि ए से बेहतर होगा सी, सी से बेहतर होगा बी, ए से बेहतर मानेगा सी बिंदु, क्योंकि क्योंकि हम ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं। अब बी से सी से बी बेहतर होगा किसका, और कौन देना पड़ रहा है। अब गौर से देखिए कि सी और बी को हम सटाना शुरू करें तो गैप, दोनों का गैप क्या हो जाएगा, कम से कम से एक ऐसा बिंदु आ जाएगा कि एक के बराबर नजर आएगा। बिंदु कहाँ नजर आएगा, एक के ठीक बगल में नजर आएगा। अब आपको मन में लगेगा कि ए लेके बी ले, ए लेके बी ले, क्योंकि एकदम माइन्यूट डिफरेंस है, एक्स वन एक्स टू में इतना कम दूरी है नीचे और ऊपर में लगभग क्या है, बराबर है। तो कहा कि उपभोक्ता इनडिफरेंट हो जाएगा बिटवीन ई ए इधर वगैरह, ई ए है एक ए यहाँ पर क्या जन्म लेगा, तो कहा कि ए स्मॉल ए और ए, और ए क्या है, सी और बी के बीच का दूरी है जो ठीक एक एक बगल में खड़ा है। कहा कि उपभोक्ता उस स्थिति में आ जाएगा कि कहेगा कि ठीक है आपको ए भी पसंद है और ए डैश भी पसंद है, क्या नहीं 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 तो हिक्स कहते हैं जो मैंने इंडिफरेंस का को त्यागा है, इंडिफरेंस की धारणा को रखे हुआ कंज्यूमर विल बी इनडिफरेंट बिटवीन ए कॉम्बिनेशन एंड ए डैश कॉम्बिनेशन बिकॉज देयर इज माइन्यूट डिफरेंस एंड ही विल बी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन टू से किसको पसंद करे। लगभग वो दोनों बराबर पसंद कर रहे तो इनडिफरेंट। इन दैट वे हिक्स हैड रिजेक्टेड डाउनवर्ड स्लोप इन डिफरेंस का and he established a striped hypothesis to maintain the idea of indifference. उन्होंने कहा कि मेरा indifference curve मान लीजिए गलत है, हटाइए, लेकिन indifference का idea जो है वो मेरा गलत नहीं है। मानव का व्यवहार ऐसा है वो बराबर बदलता रहता है, ये लेंगे वो लेंगे लेंगे, लेकिन जब उसको इतना ज्यादा क्लोजनेस उसको महसूस होगा, इतना ज्यादा उसको लगेगा कि दोनों के बीच का जो अंतर है वो इतना ज्यादा लग रहा है अंतर कि किसी भी हालत में वो ए और ए डैश के बीच में क्या हो जाएगा, ए और ए डैश के बीच में क्या हो जाएगा, इनडिफरेंट है। यानी डिफरेंस कर्व नहीं है, यहां तो एक लाइन है, स्ट्राइट है,
हर एक की डिफरेंस करके तरह हर यहाँ एक एक लकीर है जिसका नाम है एक्स वन लकीर, एक्स टू लकीर, एक्स थ्री लकीर, एक्स फोर लकीर, डॉट 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 एक्स तेरह लकीर। तेरह पर पहुंचेगा तो ज्यादा एक्स उसके पॉकेट में होगा, छ पर रहेगा तो उससे कम रहेगा, तीन पर रहेगा तो उससे कम रहेगा, वहां तक आईसी वन से बड़ा आईसी टू, आईसी टू से बड़ा आईसी थ्री, आपका घटा ही जमेगा। एक्स वन से बड़ा होगा एक्स टू, एक्स टू से बड़ा होगा एक्स थ्री, एक्स थ्री से बड़ा होगा एक्स फोर, डॉट डॉट एक्स बारह से बड़ा होगा एक्स तेरह। होगा कि नहीं होगा? कहा कि मैं इंडिफरेंस कर्व का जो इंडिफरेंस कर्व मैं जो वैल्यू इन चैप्टर में दिया हूं दिया एक्स का, कि मैं उसे रिजेक्ट करता हूं और उसके जगह पर मैं क्या दे रहा हूं, स्ट्राइक्ड हाइपोथेसिस। हर लकीर अपने आप में पूर्ण है, कोई डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजिबिलिटी इज रिजेक्टेड बिकॉज ईच वन इज डिविजिबल, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री। क्लियर है? एम आई क्लियर टू यू? बात समझ में आ रही है? इंडिफरेंस का को त्याग दिया, आइडिया ऑफ इंडिफरेंस को बरकरार, आइडिया ऑफ इंडिफरेंस को बरकरार नए टूल के माध्यम से। नया टूल क्या लाया? स्ट्राइक हाइपोथेसिस। हर स्ट्राइक जो अकेला खींचा गया है वो अपने आप में पूर्ण है और उसके बगल की दूरी जो है वो माइन्यूट डिफरेंस है। तो कहेगा कि हमको एक से ए से हमको सी पसंद है, सी से बी पसंद है, आप फिर सी और बी को दबाइए, स्पेस कीजिए और बीच में लाइए जो ठीक ए के बगल में खड़ा हो गया है। तो मुझे ही दोनों में कहा गया ये तो लगभग सही लग रहा है। बहुत देखिएगा मैंने जो देखते हैं लड़की जयमाला होता है, लड़की को लेके जो जाता है ना, तो उसको जनरली लड़की अगर बहुत गोरी है तो ठीक है, अगर बड़ी कम गोरी है वहाँ खूब गोरी गोरी को लेकर ले जाइए गीत गाते हुए तो लड़कवा जो है डेटे में डाले तो जाके सबको चढ़ाइए ऊपर और ऊपर नचवाइए, उसको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आजकल जाते हैं तो जयमाल में क्या रहता है, लड़का लड़की है वो ऊँचे मचान पर, गाँव में मचान होता है रात में चढ़ा रहता हो, जगते रहिए वो अपना कर रहा है, वैसे ही मचान पर चढ़ा रहेगा और स्विच दबाया तो देखे कि चलने का नहीं, देखे थोड़ा थरथराया लड़को भी थरथराया लड़की भी थरथराया कि थोड़े देर नॉर्मल हो गए, चक्री काट रहा है और फूल का वृष्टि कर रहा है। जान ही रहा है कि बाद में क्या वृष्टि होगा सो तो समय बताएगा, अभी कम से कम फूल आज जो खड़ा है अगर बगल है उसके देखने को फूल गिर रहा है। बहुत लोग मुस्कुरा रहे हैं, यही बहाने जो हमारा भी कल्याण हो गया, वो खुश वृष्टि। हमारा कितना आइडियल कॉन्सेप्ट है मैरिज का, सो देखिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैरिज को बहुत ही आइडियल कॉन्सेप्ट मानता है, और जन्म जन्म का कहता है कि एक जन्म में ही सात जन्म में ही रहेगा, अठवा भले कुछ चिल्ड्रन हो तो हो। तो कहता है कि डिफरेंस कर को हटा दिया, इंडिफरेंस कर रहता तो चार पांच को हम लोग इंडिफरेंस कर देते, इंडिफरेंस कर मैं क्या बुरा कर पांच गो, तीसरा पर संतुलन हो गया, दो गो एक्स्ट्रा ऊपर गया, दो गो नीचे, यहां इन्होंने तेरह लोग करा दिया। तेरह स्ट्राइक हाइपोथेसिस, स्ट्राइक लाइन तेरह है और उसी में वो समझाया कि एक्स टू से एक्स थ्री बड़ा है, कंज्यूमर एक्स टू से एक्स थ्री को पसंद करेगा। बूंदा डाल दिया ऊपर जैसे हम डाले हुए हैं उन्हीं का देखा देखो उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बोला कि ए से बेहतर है सी क्योंकि सी पर ज्यादा है, कहा सी से बेहतर है बी क्योंकि उस पर कम खर्चा रहेगा, और फिर ये कहते हैं कि सी और बी के बीच में कोई ऐसा बिंदु ढूंढिए जो कि ए के ठीक बराबर हो तो उसका नाम दे दीजिए ए डैस। फिक्स करते हैं कंज्यूमर ए और ए डैस के बीच में इंडिफरेंट हो जाएगा और कहेगा कि ए दीजिए या ए डैश दीजिए, है ना, ए और ए डैश जो है ना
ए डैश जो है इमेजिनरी है, कि दोनों के बीच का कहीं का होगा, जहां को आते हैं कि हमको दोनों पसंद है, तो दोनों पसंद नहीं बोलेगा, इंडिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर इंडिफरेंट हो गया तो आइडिया ऑफ इंडिफरेंस इज एस्टैब्लिश थ्रू एस्टाइट हाइपोथेसिस। क्लियर। अब उन्होंने कहा कि ऑर्डिनरी यूटिलिटी को त्याग रहे, हम लॉजिक ऑफ ऑर्डर को लेंगे, लॉजिक ऑफ ऑर्डर को लेंगे। और इन्होंने कहा कि हम एग्जांपल देखें, दो प्राइस लाइन, दो डिमांड लाइन, दो डिमांड लाइन में अगर डिमांड लाइन जो है वो वाई एक्सिस पर ऊंचा है और वाई एक्सिस पर नीचा है, तो वाई एक्सिस पर नीचा ही हो जाएगा पी एस लोअर, और वाई एक्सिस पर पी एक्स क्या हो जाएगा हाई, और वाई कॉन्स्टेंट, वाई का प्राइस कॉन्स्टेंट, तो वाई का प्राइस कॉन्स्टेंट होगा। तो इस चीज से अलग हम पुराने टेक्निक को दिखा रहे हैं जो आपको समझने के लिए, ये रेखा है ये क्या हो गया पी एक्स बाई बी बाई, तो पढ़े होंगे बी ए में, बी ए पढ़े ना, ये पी एक्स बाई बी बाई। आप देखिए 100 रुपया में अगर 100 आम है और 100 रुपया में 200 आम है, तो इस पर आम का दाम क्या हो गया, घट के हो गया 0। पी वाई कॉन्स्टेंट है, पी वाई कॉन्स्टेंट है, और एक्स की कीमत क्या हो गई, घट गई, एक्स की कीमत घट गई ना, तो नीचे आम का मात्रा 100 से हो गया 200। गौर से देखिए ये जो रेखा है इसको नीचे पैरेलल खींच दीजिए, पैरेलल खींचेगा तो नीचे वाला रेखा क्या हो जाएगा, लोअर प्राइस ऑफ एक्स हो जाएगा ना। अब उधर देखिए नया रिलीजन डिमांड थ्योरी को, वही क्रॉस ही देते हैं, ऊपर वाला मिटा दीजिए और दो ऑप्शन हो गया, एक हो गया एक्स की कीमत ज्यादा है, दूसरा एक्स की कीमत कम है। ठीक से समझिए, एक्स की कीमत कम होगी तो रेखा दाहिनी ओर फिसल जाएगा, उस रेखा के समानांतर एक रेखा नीचे खींच, समानांतर रेखा खींचने का मतलब क्या हुआ, दोनों का रियल इनकम समान हो जाएगा, यहां नीचे खींच दिए तो क्रॉस बन गया। अब बोलते हैं कि क्रॉस क्या बतला रहा है, बाया वाला में प्राइस, बाया वाला में क्या जाते हैं, एक्स कीमत ज्यादा है, दाहिने वाले में एक्स कीमत क्या है, कम है, बाया वाला में एक्स कीमत ज्यादा है और दाएं वाला में एक्स कीमत कम है। यहाँ देखिए, यहाँ जो है इस पर एक्स कीमत क्या है, कम है, और इस पर एक्स कीमत क्या है, इस पर ज्यादा है, इस पर कम है, इस पर 100 रुपया में 100 आम है, 100 रुपया में 200 आम है, तो एक्स की कीमत इस पर कम है, एक्स की कीमत इस पर ज्यादा है, समझे। अब इसको फिर से देखिए, यही बेस है, ये रेखा खींचा गया, इस रेखा पर पी एक्स जो है 2 है और पी वाई कॉन्स्टेंट है, और एक रेखा यहाँ खींचा गया यहाँ है, पी एक्स जो है यहाँ 1 है और पी वाई कॉन्स्टेंट है। तो क्रॉस बनाइएगा अगर, तो क्रॉस में एक रेखा पर एक्स की कीमत अधिक होगी और दूसरे रेखा पर एक्स की कीमत कम होगी, यही लॉजिक ऑफ ऑर्डर है। ये क्रॉस आपको बतला रहा है कि बायां वाला जो हिस्सा है वो ऊंचे मूल्य का है, दाहिना वाला हिस्सा है वो कम मूल्य का है। उन्होंने कहा कि इस क्रॉस के द्वारा, इस क्रॉस के द्वारा हम क्या करते हैं, ये एस्टैब्लिश करते हैं कि पहले हम कहाँ थे और अब हम कहाँ हैं, उसको बाकी के चित्र दर्शाएंगे। अब यहां देखिए केस वन में आप गौर से देखिए
ए ओ ए, ध्यान से सुनिए, ए ओ ए, यही एरिया आप पर्चे है, ए ओ ए एरिया ऑफ परचेज है, और दूसरा एरिया ऑफ परचेज क्या है, बी ओ बी, देख लीजिए, ए ओ ए एरिया ऑफ परचेज है, दूसरा एरिया ऑफ परचेज क्या है, बी ओ बी, अब लॉजिक का बॉर्डर है कि ए ओ ए में ए छिपा हुआ है, बी नहीं है, जो ट्रायंगल हम लोग का है ए ओ ए, ए ओ ए ट्रायंगल में ए है बी नहीं है, तो उपभोक्ता से पूछा कि तुम क्या पसंद करते हो, तो बोले ये पसंद करते, क्या ठीक है, अब दूसरा दिखाते हैं तुमको, दूसरा में कह रहा है देखो बी ओ बी, बी ओ बी में ए है ही नहीं, बी है, पूछा क्या पसंद करते हो, तो कहा बी पसंद करते हैं, उपभोक्ता का व्यवहार कंसिस्टेंट है, उसका निर्णय जो है वो तर्कसंगत है, युक्तिसंगत है, डायरेक्ट कॉन्सिस्टेंसी टेस्ट को संतुष्ट कर रहा है कि ए ओ ए में ए है हम ए पसंद करते हैं, बी ओ बी में ए है नहीं बी है तो बी पसंद करते हैं, तो हमारा यह निर्णय लॉजिक ऑफ ऑर्डर को संतुष्ट करता है, हमारा यह निर्णय लॉजिक ऑफ ऑर्डर को संतुष्ट करता है, हमारा यह निर्णय डायरेक्ट कॉन्सिस्टेंसी टेस्ट को संतुष्ट करता है, तो यही लिखा हुआ है, देखिए स्टाइल हाइपोथेसिस के नीचे लिखा हुआ है लॉजिक ऑफ ऑर्डर डायरेक्ट कॉन्सिस्टेंसी टेस्ट डीसीटी, इसे शॉर्ट में क्या बोला जाएगा, देख लीजिए एल ओ ओ डीसीटी, अब स्टाइल वाला बच्चा होगा आई हैव टू रेड डीसीटी, अब कह रहा है कौन है भाई, बड़ा पिक्यूलियर है, दिल्ली में देखे मुझे क्या ऑनर्स एक हो तुम्हारा सोसो हो गया साइको, कोई भी पूरा नहीं बोल रहा है, सोशियो इको, आपने ठीक है बोला है, एक बार देखे थे कि कौन बनेगा करोड़पति में एक अपने जो है महानायक उनको पुकारी उधर से उनकी बहू पाम जवाब यस आई एम लिसनिंग, हम लोग क्या बच्ची क्या कहते पा पा, अरे इतना क्या बोलते हो, पा से भी काम चले, तो उतना बड़ा हस्ती है उसको पुकारी क्या है पा, देखिए अभी तक कोई आदमी अनुकरण नहीं किया है, घर में अभी भी पापा लोग बोल रहा है, अगर पा भी बोलेगा तो सही है, कहता है कि इकोनॉमी में ए ओ ए में ए मौजूद है, पूछा क्या पसंद है, तो ए पसंद है, बी ओ बी में कैपिटल बी मौजूद है, ए है नहीं तो क्या कहेगा कि हमको बी पसंद है, उसका ये दोनों निर्णय लॉजिक ऑफ ऑर्डर पर आधारित है, इसका दोनों निर्णय डायरेक्ट कॉन्सिस्टेंसी टेस्ट को संतुष्ट करता है, इसलिए उपभोक्ता ए ओ ए सिचुएशन में ए प्रसंतुलन प्राप्त करेगा, बी ओ बी सिचुएशन में बी प्रसंतुलन प्राप्त करेगा, उसका यह व्यवहार कंसिस्टेंट युक्तिसंगत जांच को संतुष्ट करता है, अब केस टू पर नजर डालिए, अब आप अपने समझ रहे हैं, ए को ठीक से समझने के बाद फिर दिक्कत नहीं, बी में देखिए बी में है ए ओ ए में नीचे में है ए, पहला वाला जो है आउटसाइड द क्रॉस, पहला वाला क्या है आउटसाइड द क्रॉस, दोनों पॉइंट क्रॉस के बाहर है, अब यहां देखिए इनसाइड द क्रॉस, ए ओ ए में दोनों मौजूद है, गौर से देखिए ए ओ ए में ए भी मौजूद है
बीवी मौजूद है तो ये पसंद करता है, ठीक है। अब फिर दिखाया गया उसको बीओबी, तो बीओबी में फिर ए और बी दोनों है। अगर वो कहेगा कि हम बीओबी में भी पसंद करते हैं तो वो इन उसका कंसिस्टेंसी टेस्ट को संतुष्ट नहीं करेगा, लॉजिक और ऑर्डर पर उसका व्यवहार को युक्ति संगत नहीं माना जाएगा। फिर पहले तुमको बी दिखाए और ए दिखाए तो तुम बी को रिजेक्ट किए और ए को पसंद किए, फिर तुमको दोबारा हम बी ओ बी दिखा रहे हैं उसमें फिर वही है बी और ए, तो आप कह रहे हो तुमको भी पसंद है, नहीं ये गलत है, ये गलत नहीं, इनकंसिस्टेंट बिहेवियर है, ठीक है। तीसरा देखिए, एट द क्रॉस एंड राइट साइड, और गौर से देखिए ए ओ ए में ए है और बी नहीं है, ए ओ ए में क्या है ए है बी नहीं है, वो ए पसंद करता है। दूसरा केस बी ओ बी में ए भी है बी भी है लेकिन वो बी पसंद करता है क्योंकि बी में ज्यादा एक्स है, बी में ज्यादा एक्स है, कहता है पैरेटो पैरेटो ऑप्टिमम का एक नियम है कि मोर इज प्रेफर टू लेस, मैंने आपको चार को पेड़ा दे कि तीन को पेड़ा दे तो चार पेड़ा को पसंद करेंगे, उसको चार पेड़ा है तो कहा कि मोर ऑफ एक्सट्रोमोडिटी बंडल में है और दूसरे में लेस ऑफ एक्सट्रोमोडिटी है तो उपभोक्ता किसको पसंद करेगा, मोर ऑफ एक्स को पसंद करेगा, मोर ऑफ एक्स में ज्यादा उसको कमोडिटी है क्वांटिटी है तो उसको पसंद करेगा। तो रूल बन गया कि कंजम्पशन के बंडल में मोर इज प्रेफर टू लेस, मोर इज प्रेफर टू लेस, लेकिन उल्टा पिटाई में होगा तो क्या हो जाए, लेस इज प्रेफर टू मोर, है ना। राजा से कहा कि आपको जो प्राइज मिलेगा तो हम आधा दे देंगे दरबान को, वो दरबान को वहां वचन दे दिया था, राजा के दरबार में आया वो विद्वान था पर उसको पुरस्कार के लिए बुलाया गया था। राजा कहा कि पुरस्कार बोलो क्या लेना चाहते हो, तो बोला कि जो हम मांगेंगे तो दीजिएगा, राजा तन लिया कि तुम जो मांगोगे हम देंगे, हम राजा हैं, कहा कि हमको 100 कोड़ा पड़वाइए इससे, जो पालवा है उसको बोला कि 100 कोड़ा हमको चाहिए, लेकिन हम एक आदमी को वचन दे दिए हैं जो आपके दरबान है गेट पर कि हमको जो मिलेगा आधा हमको घूस के रूप में दे देंगे, तो आधा दे दीजिए आधा था हमको। राजा समझ गया कि विद्वान जो है क्या इशारा कर रहा है कि आपका सारा सिस्टम में घुसखोरी चल रहा है और आप पते नहीं, कहा ठीक है तुम्हारे इस ख्वाहिश को पूरा करें और तुम जिसको देना चाहते हो पहले उसी को दें। अब बोला कि लाओ दरबान, बड़का दरबान पूरा पहलवान आया, कहा जब बुराए क्या है कि नहीं तो पुरस्कार तो कहे थे कि आधा लेकिन पहले तुम्हें पता नहीं क्या है, राजा तैयार हो गए एकदम तैयार है पूरा लेने के लिए, चलो लेकर के आया। तो राजा कहा कि ये तुमको वचन दिए थे कि जो इनको पुरस्कार मिलेगा उसमें आधा मिलेगा, ये वचन के पक्के ही कहते कि नहीं आधा उनको देना है, आधा तुमको लेना है, घबराओ नहीं सत्य बोलो, नहीं जी ठीक है आधा पुरस्कार इनको तुरंत अभी दिया जाए। देखा कि पूरा तेल लगाए हुए पहलवान मोटा मोटा कोड़ा लेकर गया है, गाड़ी क्या कहा कि तुम पूछा नहीं चाहोगे कि पुरस्कार क्या मांगे, कहा पुरस्कार मांगा है 100 कोड़ा, कहा ले जाओ उसको बाहर मैदान में थोड़ा मारो उसको। तो कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग हुआ नहीं, जो कहा दे भी दिया, राजा जो है इसको कोड़ा नहीं मारा, इसको पुरस्कार दिया, इसको सम्मानित किया कि आपने हमारे यहाँ का भीतर के तरीका को बताया। तो अभी इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा और वो जान जाएंगे कि कौन दरबान है और कौन राजा है और कौन क्या है, कौन निर्णय सही है। तो कहता है कि इकोनॉमी में कंसिस्टेंसी पोस्टुलेट्स बड़ा महत्व, डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट का मतलब हो गया प्रत्यक्ष युक्ति संगत तर्क, आपसे पूछा जा रहा है ए ओ ए में क्या पसंद है,
वो थर्ड हुआ ना, ये हो गया केस फोर्थ। केस फोर्थ हो गया, ये एट द क्रॉस है, ये क्या हो गया, ये हो गया एट द क्रॉस एंड राइट हैंड साइड, क्या हो गया एट द क्रॉस एंड राइट हैंड साइड, एट द क्रॉस एंड राइट हैंड साइड। देखिए ये अल्टरनेटिव सब दिखा रहे हैं कि कैसे आपके सामने में चीज वही है, आपको ऑप्शन दे रहा है। तो यहां देखिए ए ओ ए में क्या पोजिशन है, ए ओ ए में, ए ओ ए में ए भी है और बी भी है, देख लीजिए ए ओ, ए ओ ए में तो कौन कौन बिंदु है, दोनों है। अब उसे पूछेगा तुमको कौन पसंद है, तो देखा कहा कि हमको ए पसंद है, ठीक है ए पसंद हो गया। अब दिखाना है उसको बी ओ बी, तो बी ओ बी में ए है ये नहीं है, तो कहता है कि अब हमको बी पसंद है, तो कंसिस्टेंट है, पहले वाले में ए और बी था तो ए पसंद किया था, यहाँ बी में अकेला है ए है बी, तो बी पसंद करता है, तो इसका व्यवहार क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ये सारा जो ऑप्शन आपको बताया गया ये लॉजिक ऑफ ऑर्डर और डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट को समझने के लिए बताया गया कि उपभोक्ता का व्यवहार युक्ति संगत है या नहीं है, ये देखना जरूरी है, तब हम लोग जान पाएंगे कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, ये कंज्यूमर्स बिहेवियर बड़ा महत्वपूर्ण है जो मांग के नियम को स्थापित करता है। क्लियर है, यहाँ तक सब बात समझ गए, अब आप भवेश आ पाइए, पूरे बोर्ड को मिटा देंगे। तो हम लोग अभी जो देख रहे थे जे आर हिक्स की पुस्तक रिविजन ऑफ डिमांड थ्योरी में 28 चित्रों को दिया गया है, लेकिन एक भी चित्र डिफरेंस कर्व नहीं है, और उस 28 चित्रों के द्वारा लॉजिक ऑफ ऑर्डर कंसिस्टेंसी पोस्टुलेट्स डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट इन सभी को संतुष्ट किया जाता है। हिक्स महोदय ने स्वयं अपने डिफरेंस कर्व को त्याग दिया, रामचंद्र जी किसको त्याग दिए, कृष्ण भगवान किसको त्याग दिए, तो त्याग तो चला रहा है हमारे यहाँ, त्याग दिए इंडिफरेंस कर को, हम लोग आज भी इंडिफरेंस कर को सराहते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, अभी भी इंडिया में कोर्स में इंडिफरेंस कर मौजूद है, यूएसए के सिलेबस में इंडिफरेंस कर को हटा दिए गए, ताकि इंडिफरेंस कर जो ही रेलिवेंट हटा दिए गए, लेकिन अभी भी इंडिया में इंडिफरेंस कर हम लोग के सिलेबस में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है, पटना यूनिवर्सिटी में भी है, बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में इंडिफरेंस कर की पढ़ाई, पब्लिक फाइनेंस में इंडिफरेंस कर के आधार पर हम लोग टैक्स के इफेक्ट को जज करते हैं कि जीएसटी अच्छा है कि इनकम टैक्स अच्छा है। तो हम लोग जो चित्र अब तक देखे उस चित्र से ये बात समझ गए कि कोई रेखा जो है वो पी एक्स बाई पी वाई को प्रदर्शित करता है। ये कहते हैं कि डिमांड कर्व आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिमांड कर्व दिया हुआ है, डिमांड कर्व दिया हुआ है, डिमांड कर्व का खिसकना बाईं ओर एक्स कीमत को बढ़ने को कहा जाता है, और दाईं ओर खिसक रहा है तो क्या कहा जाता है, एक्स कीमत घट गई, याद है ना,
प्राइस लाइन अगर बाई ओर खिसकेगा तो पीएक्स बढ़ जाएगा, 100 रुपया में 100 आम तो 100 रुपया में 50 आम होगा।